Bismillahir Rahmanir Rahim. Assalamu Alaikum. I am mathematics teacher of grade 2 from IB Islamia Public High Secondary School, Godki. Dear students, today we are going to start chapter 13, Mass. Today's topic is measuring mass. First of all, measurement of mass. What is mass? Mass tells us how heavy a light an object is. मास एक ऐसी चीज़ है जो हमें बताती है कि कोई भी चीज़ कितनी हैवी है, कितनी भारी है, कितनी लाइट यानी कितनी हल्की है, ये हमें पता चलता है उसका मास मेयर करने से, उसका मास फाइंड करने से. मेयरिंग यूनिट्स ऑफ मास, दीज आर टू कॉमन मेयरिंग यूनिट्स ऑफ मास. Kilogram, the unit for measuring mass, and the gram is basic unit for measuring mass. And remember, 1 kilogram is equal to 1000 grams. ये दो common units हैं mass को measure करने के, एक kilogram और दूसरा gram. Now grams and kilograms हम कब यूज़ करते हैं ग्राम्स और कब यूज़ करते हैं किलोग्राम्स. सो लाइट ऑब्जेक्ट्स कैन बी मेयर्ड इन ग्राम्स. जो हमारे लाइट ऑब्जेक्ट्स होते हैं, हल्के ऑब्जेक्ट्स होते हैं, जो हमें कैरी करना, उठाना इजी हो, उन्हें हम ग्राम्स में मेयर करते हैं. स्पेशली वही होते हैं लाइट ऑब्जेक्ट्स जो कैरी करना इजी हो, जो हम इजीली उठा सकें, वो लाइट ऑब्जेक्ट्स होते हैं, जैसे कि इस फिगर में एग्जांपल्स दिए गए हैं. एंड द हैवियर ऑब्जेक्ट्स कैन बी मेयर्ड इन ग्राम्स, सॉरी किलोग्राम्स. और जो हैवियर हैवी चीज़ें होती हैं जो कैरी करना बहुत मुश्किल लगे हमें, एज़ कम्पेयर टू लाइट ऑब्जेक्ट्स, लाइट ऑब्जेक्ट से हमें कैरी करने में मुश्किल लगे, उन्हें हम हैवी चीज़ें कहते हैं, हैवी ऑब्जेक्ट्स कहते हैं. और हैवी ऑब्जेक्ट्स को हम किलोग्राम में मेयर करते हैं, जैसे कि इस फिगर में कुछ चीज़ें दी गई हैं जो कि हैवियर हैं, उन्हें हम किलोग्राम्स में मेयर करते हैं. एंड मेयरिंग इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ मास, मास को मेयर करने के लिए भी एक इंस्ट्रूमेंट की ज़रूरत होती है. वैसे तो बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट हैं मास को मेयर करने के लिए, लेकिन यहाँ पर हम दो इंस्ट्रूमेंट को डिस्कस करेंगे. नंबर 1 इज़ बैलेंस स्केल एंड नंबर 2 इज़ इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस. एक बैलेंस स्केल होता है, ये फिगर्स देख के आपको जो है समझ में आ गया होगा कि ये मेयरिंग इंस्ट्रूमेंट कौन से हैं, आपने देखे भी होंगे कहीं ना कहीं पे. तो बैलेंस स्केल पे क्या होता है और इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस पे क्या होता है. वी यूज बैलेंस स्केल टू मेयर मास इन ग्राम्स एंड किलोग्राम्स. जो बैलेंस स्केल होता है उस पे हम मास को जो है फाइंड करते हैं, मेयर करते हैं ग्राम्स और किलोग्राम्स में. इस बैलेंस स्केल को आप देख सकते हैं, इसमें दो जो है साइड्स हैं, बीच में उन्हें जो है बैलेंस करने के लिए जो है एक बीम रखा गया है जो उन दोनों साइड्स को आपस में बैलेंस कर सकता है. तो उसकी एक साइड पे जो है हम स्टैंडर्ड मास यानी कोई भी वेट रखेंगे, जो या तो 1 किलो का हो सकता है या तो 2 किलोग्राम का हो सकता है. तो उसके दूसरी साइड हम जो है कोई भी ऑब्जेक्ट रखेंगे, ठीक है. जब हम उनको आपस में बैलेंस करेंगे, वहाँ पर हम देखेंगे कि हमें मालूम होगा कि वो ऑब्जेक्ट जो है, अगर वो ऑब्जेक्ट ऊपर जा रहा है और वेट नीचे जा रहा है, तो वो जो है ऑब्जेक्ट हैवियर है, ठीक है. तो उस पे हम दूसरी साइड पे और जो है वेट भी पुट कर सकते हैं, रख सकते हैं. फिर जब हमारी बीम जो है वो सीधी बिल्कुल बैलेंस में आ जाएगी, फिर जो है हमें उस ऑब्जेक्ट का मास जो है मालूम हो जाएगा कि ये इसका मास इतने किलोग्राम का है. ओके, नेक्स्ट जो है वो है इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस. ये भी एक इंस्ट्रूमेंट है मास को फाइंड करने के लिए. इस पे आप देख सकते हैं
जो है ऊपर एक प्लेट बनी हुई है और सामने आपको वहाँ पे कुछ जो है नंबर दिखाई देंगे और साइड में एक छोटा सा जी भी बना हुआ है इसके साथ, यानी कि ये जो है यूज टू मैयर मास, मास को मालूम करती है, मैयर करती है। एंड यूनिट्स आर ग्राम, ये जो है मास को ग्राम्स में मैयर करती है, इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस। इसकी प्लेट पे हम कोई भी जो है ऑब्जेक्ट अगर ये ग्राम्स में मालूम करिए तो जाहिर सी बात है इस पे हम कोई लाइट ऑब्जेक्ट रखेंगे। ऊपर जब हम कोई भी लाइट ऑब्जेक्ट रखेंगे तो सामने इन नंबर्स में हमें कुछ नंबर शो होंगे, सामने दिखाया जाएगा कि ये इसका जो मास है ये इतने ग्राम का है। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस है, मास को फाइंड करने के लिए, मैयर करने के लिए यूज़ की जाती है। ओके, दैट्स इट।